आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। सिंगरौली जिले के विंध्य नगर पुलिस ने स्मैक कारोबारी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 30.5 ग्राम स्मैक सहित 19 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। विंध्य नगर पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे काफी जानकारी इस तरह के कारोबार के बारे में निकल सकती है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेन सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान में विंध्य नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्मैक के कारोबार में लिप्त एक दंपत्ति को विंध्य नगर पुलिस ने न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनसे 30.5 ग्राम स्मैक और 19 लाख रुपए नगद बरामद कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। नगर पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक ने बताया कि 49 वर्षीय रतिलाल शाह और उनकी पत्नी फूलमती शाह नशे का कारोबार करते थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की है। CSP देवेश पाठक के मुताबिक विंध्य नगर थाना प्रभारी UP सिंह को कई दिनों से यह जानकारी प्राप्त हो रही थी कि गहिलगढ़ और नवजीवन बिहार सेक्टर नंबर 3 निवासी दंपति स्मैक की बिक्री करता है। पुलिस ने उसके ठिकानों पर दबिश दी लेकिन शातिर महिला कभी पकड़ में नहीं आई। पुलिस ने बताया कि महिला इतनी शातिर थी कि कभी गहिलगढ़ एवं कभी सेक्टर नंबर 3 में जाकर स्मैक की बिक्री करती थी। साथ ही वह किसी भी समय अपने दरवाजे को नहीं खोलती थी, मात्र ग्राहकों की आवाज पर खिड़की के पास आकर स्मैक देकर पुनः खिड़की बंद कर लेती थी।